का हमारा रेसिपी है मटन सीख कबाब। इसके लिए हमें चाहिए एक बारीक मशीन का पिसा हुआ मटन। इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, वो यूँ हैं, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया, लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट ये कुटा हुआ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और ये प्याज है, दो प्याज है मीडियम साइज़ के, इसे मैंने पेस्ट बनाकर इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया। और ये गरम मसाला हाफ टी स्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये चार चम्मच भुना हुआ बेसन और ये हाफ लेमन जूस। अब हम इन सब सामानों को डालकर करेंगे मिक्स। मैंने सभी मसाले को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये भुना हुआ बेसन और ये लेमन जूस और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद दो टेबल स्पून के इतना ऑयल डाल दें। आपके पास घी या बटर जो भी हो आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना हम एक ले लेंगे और इसे इस तरीके से गोल बना लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का सीख है तो सीख के अंदर इसे बीच में प्रेस करें और उसके बाद इस तरीके से बना लें। इसे इस तरीके से निकाल लें और इसे प्लेट में रखेंगे। और किसी के पास सीख नहीं है उसके लिए कैल्शियम ले लें और उसे इस तरीके से कैल्शियम के हेल्प से भी आप बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाले। सभी को इसी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ऐसे मैंने सभी को सीख कबाब बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई लेंगे और इसे गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से फैला लेंगे और इसमें हम एक एक करके कबाब डाल देंगे। इस तरीके से फ्राई करेंगे और चूल्हा को हम मीडियम रखेंगे और इसे 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसे एक साइड से पकने देंगे। तो आप ये देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और हम इसे दूसरी साइड से पका लेंगे। इस तरीके से पलटना। अब लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें, ज़्यादा ऑयल ना डालें, कोशिश करें कि थोड़े थोड़े ही ऑयल में डाल के इसे पका लें। चलिए इसे 2 मिनट हम सीखने देते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे पलट पलट के चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं अब मैं इसे अच्छी तरीके से निकाल लेती हूँ। चारों तरफ से मैंने अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये देखो इसी तरीके से सभी को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना दूसरा बैच। इस तरीके से ऐड कर लेंगे। और इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल। इसे लो फ्लेम पे पका लें, पकने देंगे लो फ्लेम पे उसे पकने देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा झटपट बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखें हमारा सीख कबाब बनके बिल्कुल रेडी है। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने इसे चारों तरफ से सेक लिया है। ये देखने में जितना